हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा राजपूत पुष्पा की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपको चने की दाल और सोयाबीन की ऐसी रेसिपी जो आपने एक बार बना ली ना तो आपका बनाने का डेली मन करेगा, और ये सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ले लेना है चने की दाल। चने की दाल को आपको 2-4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देना है, और साथ में ही मैंने क्या किया है, ले ली है सोयाबीन। तो सोयाबीन को मैंने कम से कम 2-4 मिनट के लिए मैंने पानी में भिंगो करके रख दिया था, तो इससे ये बहुत ही अच्छी सोयाबीन हमारी फूल करके फ्रेंड्स तैयार हो जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, 2-4 बार इसको पानी में धुल करके इसका सारा पानी हमें निचोड़ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी से फूल करके तैयार हो चुकी हैं, और आप चाहें तो इसको पानी में बॉयल करके भी तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास समय कम हो तो आपको गर्म पानी कर लेना है और उसमें आपको ये सोयाबीन की बरियां डाल देना है, तो ये भी इस तरह से भी बन करके ये तैयार हो जाएंगी। तो आपको के पास जैसा भी समय हो उसके हिसाब से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसका सारा पानी हमें निचोड़ लेना है, और जो पानी है इसको हम अलग कर लेंगे। और मैंने कुछ मसाले लिए हुए हैं, अदरक लहसुन हरी मिर्च, और साथ में मैंने प्याज इन सबको बारीक काट लिया है। कुछ साबुत मसाले लिए हैं, दालचीनी खड़ा, तेज़पत्ता, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और साथ में जीरा, सौंफ, धनिया। इन सबको अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, एक ले लेना है कुकर। कुकर में डाल देंगे हम सारी अपनी चने की दाल। तो दाल का जो पानी है उसको हमें निकाल के अलग कर लेना है, और 2-4 बार पानी से इसको अच्छे से धुल लेना है। तो आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको चने की दाल को फुला करके रख लेना है। तो मैं बना रही हूँ अपने आज पूरे परिवार के लिए, क्योंकि इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ये काफ़ी सारी फूल करके हो जाती है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें सोयाबीन। तो आप चाहें फ्रेंड्स तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके भी पका सकते हैं, लेकिन हम इसमें ऑयल यूज नहीं करेंगे, इसमें हम करेंगे शुद्ध देसी घी यूज। तो देखिए मैंने चने की दाल और सोयाबीन को साथ में डाल दिया है। इसके बाद हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो आधी चम्मच के करीब मैंने नमक डाल दिया है। साथ में ही हम डाल देंगे सारे खड़े मसाले, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, तेज़पत्ता, इसके हिसाब से हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। इसके बाद हम डाल देंगे अदरक, प्याज, लहसुन, जो हमने मसाले काट करके रखे हुए थे तो ये भी हमने डाल दिए हैं। और साथ में हम डालेंगे फ्रेंड्स कुछ साबुत मसाले, और साथ में हम डालेंगे कुछ पिसे हुए मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, भुंजा हुआ जीरा पाउडर, और हम साथ में डाल लेंगे इसमें शुद्ध देसी घी। तो मैंने शुद्ध देसी घी कम से कम 2 चम्मच भर करके इसमें डाल दिया है। छोटी वाली जो खाने वाली चम्मच होती है वो वाली चम्मच हमने भर करके इसमें डाल दिया है, और इन सबको हमें अच्छे से इसमें मिला लेना है। तो मैंने जैसे पहले भी मसाले बताए हैं कि ये मुझे थोड़ी से इसमें मसाले भी देना है, तो पिसे हुए मसाले, लाल मिर्च जैसे, और इसमें आप थोड़ा सा वेज मसाला आता है वो डाल सकते हैं, अदरक लहसुन वाला मसाला डाल सकते हैं। तो मैंने अदरक लहसुन को काट करके डाला हुआ है, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आप कलर के लिए इसमें लाल देगी मिर्च यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारे मसालों को डाल देना है। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, हम इसमें डालेंगे सिर्फ इसमें 1/2 कप के करीब पानी हमें, क्योंकि सिर्फ इन दाल को हमें थोड़ा सा कुक करना है, हमें इसमें पानी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 1/2 कप ही पानी डालेंगे, और प्रेशर कुकर को बंद करके धीमी आंच तक 3 सीटी तक आने में इसको पका करके तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें इन सारी मिश्रण को मिक्सी में पीस करके तैयार करना है, हमें सिर्फ इसको पकाना है, गलाना नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 सीटी आने के बाद मैंने कुकर को बंद करके रख दिया था, और जब अपने से ही सारी गैस निकल जाएगी तो हम चेक करेंगे। देखिए दाल हमारी बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है। आप चाहे तो इस तरह से चम्मच की हेल्प से या मिक्सर की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्सी में चला देंगे, इससे इसका फाइन पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो पीसते समय फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखें, गरम बिल्कुल भी ना पीसें, क्योंकि इसमें बहुत सारी झाग रहती है और इस तरह से गैस बन जाती है, तो थोड़ा सा पीसने में आपको हो सकता है कि बैटर आपका फैल जाए, तो आप ध्यान रखें थोड़ा हल्का ठंडा हो जाने के बाद ही पीसें। इसके बाद हम चटनी बनाएंगे, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, साथ में नमक, और इधर जब तक हमारा बैटर ठंडा हो रहा तब तक
तक हम आटा लगा करके तैयार करते हैं। तो हमें ले लेना है मैदा और मैदा का आटा लगा करके फ्रेंड्स तैयार कर लेंगे। ये नॉर्मल आटा लगाना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, इसका हमें थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट रखना है। तो ये जो हम आज की रेसिपी बना रहे हैं फ्रेंड्स, आज मैं आप समझ ही गए कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ कबाब। तो कबाब जो आपने खाया होगा तो वो मैदा से ही बन करके तैयार होता, तो आज हम कबाब पराठा बनाएंगे। तो कबाब के लिए जो हमारी सामग्री अभी बन गई में थोड़ा सा टाइम है, तब तक हम इसका मैदे वाला डोल लगा करके तैयार कर लेंगे। इसकी अब हम बनाएंगे हम लोइयाँ। तो इसकी लोई हमें मीडियम रखना है, क्योंकि हमें इससे बहुत ही पतली रोटी बना करके फ्रेंड्स तैयार करनी है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा डालूंगी, और जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह से बेलते जाएंगे। बस इसको हमें बिल्कुल पतला बेल करके तैयार करना है। तो पहले तो मैं बेलन की हेल्प से पतला करूंगी, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा हाथों की हेल्प से जैसे हलवाई लोग बनाते हैं उसी तरह से इसको फैला लूंगी। इससे क्या होता है कि रोटी हमारी बहुत ज़्यादा पतली बन करके तैयार होगी। अब तवा को गर्म कर दिया है, रोटी को हमने रख दिया है। अब आपको इसको सीधे गैस में नहीं सेकना है, हम इसको तवा में इसको दबाते हुए, कोई भी आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या टावल ले लीजिए, दोनों साइड से पलटते हुए इसको इस तरह से रूमाल से दबाते रहेंगे, तो ये हमारी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट रोटी सेक करके फ्रेंड्स तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा कबाब का पराठा बन चुका है। उधर ये हमने बटर को पीस लिया था, तो देखिए बहुत ही अच्छा ये पिस के तैयार हुआ है। अब इसके हमें छोटी छोटी सी टिक्की बना करके तैयार कर लेनी है। ये बहुत आसानी से टिक्की बन जाती हैं, देखिए आपके सामने मैं बना भी पा रही हूँ। आप चाहें तो हाथों में हल्का सा ऑयल या थोड़ा सा पानी लगा कर सकते हैं। और ये हमने देखिए इस तरह से टिक्की बना करके सारी तैयार कर ली। अब हमें इनको थोड़ा सा सेकना है, तो हम ले लेंगे तवा, आप कोई भी तवा ले लीजिए या कढ़ाई ले लीजिए। इसमें आपको हल्का सा ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें छोटी चम्मच ही एक डालेंगे। और इस तरह से हम सारे अपने कबाब को तवा में फैला देंगे, और गैस को रखेंगे हम तेज, और इसको हम क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से उलट पुलट करके सेकते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है बनाना, और बच्चों को खास करके ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी इस समय छुट्टियां चल रही हैं, तो आप इस तरह से रेसिपी बना सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी यदि आपको हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कबाब बहुत ही अच्छे क्रिस्पी सेक करके तैयार हो चुके हैं। और चटनी में मैंने थोड़ा सा तड़का भी लगा दिया था, जीरा, और थोड़ा सा मैंने सरसों के दाने से, आप चाहते इसमें थोड़ा सा करी पत्ता का भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये हमने थोड़ी सी प्याज काट ली है, नींबू काट लिया है, और साथ में हमने कबाब वाले पराठे बना करके भी फ्रेंड्स तैयार कर लिए हैं। तो इसमें हम लगाएंगे बटर या घी, आपको जो भी पसंद है। तो आज का ये हमारा कबाब पराठा बन करके फ्रेंड्स तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरी चैनल पर नए हैं तो पुष्पा की रसोई को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपकी पुष्पा इसी तरह से नए नए वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करती रहे, और आप लोग भी इसी तरह से रेसिपी बना करके फ्रेंड्स एंजॉय करते रहें। तो बनाइए एक बार इसको ज़रूर, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, मेरे यहाँ तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे हम नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।